Hello everyone, so today we are going to discuss uh, first about the decade counters. So, decade counter can be both uh, asynchronous type, a asynchronous type, and synchronous type. Okay, now uh, you can imagine that. Uh, the name as the name suggests decade counters, so it will be just like that. Uh, decade means 10, okay. So it is just like that. So, first of all, let's have a brief overview of this. You all know that the modules of the counter is the number of unique states. Modules, jo counter mein, modules of a counter uh, is its. टे ओके यूनिक स्टेट्स किस तरह से यूनिक स्टेट्स इज अंपल मैनर इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू हैव अ काउंटर ऑफ टू बिट मीन्स टू फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ टू बिट काउंटर ओके सो ऑल दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स सो मॉड्यूल्स ऑफ अकाउंटर इज इट्स यूनिक स्टेट्स ओके ये अलग अलग इसके स्टेट्स हैं ये सारी यूनिक स्टेट्स हैं इसका ये एक एक मॉड्यूल कहलाता है राइट एंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अकाउंटर कैन बी मैक्सिमम स्टेट्स मैक्सिमम स्टेट्स इन एनी काउंटर कैन बी टू रिस्ट पावर एन ओके एंड एन इज वॉट एन इज नंबर ऑफ फ्लॉप्स इन दैट जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो नंबर ऑफ़ एन होगा वो एन होगा और जितना एन होगा टूज पावर एन जो होंगे नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे अब सपोज़ यू इफ़ यू वॉन्ट टू इमेजिन देन यू कैन सी ओवर हेयर दैट टूज पावर टू इफ इट इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर टू तो इसमें कितनी स्टेट्स होंगी चार ए और तीन बिट का था तो वहाँ पर आठ थी इसी तरह चार बिट का होगा एंड सो ऑन ओके तो दीज आर द नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑल सो अब हमें क्या देखना है इसमें नाउ यू कैन सी दैट काउंटर्स कैन बी डिज़ाइन टू हैव अ नंबर ऑफ स्टेट्स इन द सीक्वेंस दैट इज लेस देन द मैक्सिमम ऑफ टूर पावर एन काउंटर हम इस तरह से भी डिफाइन कर डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्टेट्स आ रहे हैं ठीक है टूरिस्ट पावर सपोज इसमें जब तीन फ्लिप फ्लॉप्स थे अगर तीन फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उसमें तो यू शुड गेट द नंबर ऑफ स्टेट्स एट ओके तो हम कोई एक ऐसा भी काउंटर डिजाइन कर सकते हैं इन विच वी हैव द नंबर ऑफ स्टेट्स लेस देन एट ओके मीन सिक्स और सेवन वट इट कैन बी और अगर हम टू थ्रो फोर है टू थ्रो फोर होगा तो सिक्सटीन स्टेट्स होनी चाहिए बट वी कैन डिजाइन इट फॉर लेस देन सिक्सटी स्टेट्स मैगजिम स्टेट्स कैन बी सिक्सटीन बट वी कैन डिजाइन दैट काउंटर फॉर लेस देन सिक्सटीन ऑल्सो ओके नाउ दिस टाइप ऑफ काउंटर इन विच वी आर डिजाइनिंग द काउंटर फॉर लेस देन द मैक्म नंबर ऑफ स्टेट इज सिंपली कॉल्ड एज अ ट्रंकेटेड सिक्वेंस वॉट ट्रन ट्रंकेटेड सीक्वेंस ओके ये कहलाता है आपका ट्रंकेटेड सीक्वेंस जिसमें हम उससे जो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कैन हो सकती हैं उसके कम पर हम उसको डिजाइन करें नाउ वन ऑफ द कॉमन मॉड्यूल फॉर द काउंटर विद ट्रं ट्रंकेटेड सीक्वेंस टेन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मॉड्यूल अगर आपका टूट पावर फोर अगर चार फ्लिप फलॉप्स आपने इस्तेमाल किए हैं तो उसमें अलग अलग सिक्सटीन स्टेट्स बनेंगी ठीक है चार की जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो सोलह आएंगे उसमें टेन भी आएगा लेकिन टूट पावर थ्री अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टेन नहीं आ सकता है ठीक है वो आ, चार फ्लिप फ्लॉप्स में ही आएगा ऑल राइट सो दिस इज़ वन ऑफ द मॉड्यूल ओके वन कॉमन मॉड्यूल फॉर काउंटर्स विथ ट्रंककेटिड सिक्वेंस ये ट्रंकेट सिक्वेंस हुआ क्योंकि उसमें मैगजिम सिक्सटीन हो सकते हैं हम डिज़ाइन कर रहे हैं टेन पर ठीक है ये सीक्वेंस हुआ वो आपका टेन है ओके नाउ काउंटर्स विद टेन स्टेट्स इन सीक्वेंस आर कॉल्ड डिगेट काउंटर्स काउंटर्स विद टेन स्टेट्स टेन स्टेट्स इन सीक्वेंस आर कॉल्ड डिकेट काउंटर्स ओके सो दीज आर द डिकेट काउंटर्स नाउ अ डिकेट काउंटर विद अ काउंट सीक्वेंस ऑफ अब वो कहाँ से होगा जीरो 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 से शुरू होगा ठीक है कहाँ तक जाएगा नाइन अगर कहेंगे आप तो वन जीरो जीरो वन पर नाइन हो जाता है आपका एट एट के बाद में ये नाइन हो जाता है ठीक है ये है सिंपली आपका थ्रो नाइन ये आपका सिंपली क्या है ये बी सी डी काउंटर है बी सी डी कोडिंग अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो यू मस्ट रिमेंबर कि उसमें यहीं तक ही होती है ठीक है वन जीरो वन जीरो तक तो वो यहाँ तक जो होगा वो आपका बी सी डी काउंट कहलाएगा बी सी डी डिकेड काउंटर बिकॉज इट्स टैन स्टेट सिक्वेंस प्रोड्यूस द बी सी डी कोड इसके जो दस स्टेट्स हैं ये दस स्टेट्स के आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं डिकेड ठीक है बी सी डी कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये बी सी डी काउंटर भी कहलाता है आपका ठीक है अब हमें क्या करना है आगे लेटर्स सी अब अगर हम ट्रंकेटेड सीक्वेंस उसका बना रहे हैं तो उसमें यू कैन सी दैट वी हैव सीक्वेंस ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए ठीक है ज़ीरो 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 वन इस तरह से आएगा ठीक है तो उसमें जाने के बाद में जब वन ज़ीरो ज़ीरो वन मिलेगा ये आपका टेंथ मॉड्यूल हो जाएगा नाइन्थ मॉड्यूल होगा ये आपका तो इसके बाद जो टेंथ मॉड्यूल आएगा टेंथ मॉड्यूल पर ये फिर इसका सीक्वेंस जीरो हो जाना चाहिए ठीक है जीरो मीन्स रिसाइकिल जब रिसाइकिलिंग स्टेज में आ जाएगा फिर ये अपना मूव करेगा इस तरह से तो ये है सिंपल कि इसके बाद में होना क्या चाहिए था वन जीरो वन जीरो होना चाहिए था लेकिन ये नहीं होगा ये होगा क्या जीरो जीरो रिसाइकिल जब रिसाइकिल होगा फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी ये फिर इस पोजीशन पर आ जाएगा फिर अगला फ्लिप फ्लॉप जब ट्रिगर्ड होगा तो फिर अगली पोजिशन पर आ जाएगा इसी तरह से स्टेप बाई स्टेप चलता रहेगा और ये सीक्वेंस आपका मेनटेन रहेगा ये साइकिल ठीक है तो हमें यहीं तक ही इसको डिज़ाइन करना है अब इसको ये डिज़ाइन कैसे किया जाएगा ये आप देख सकते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वी शुड हैव फोर फ्लिप फ्लॉप्स फॉर दिस वाई बिकॉज इफ वी हैव थ्री फ्लिप फ्लॉप्स वी कैन हैव ओनली एट अप टू एट ओके एंड वैन वी हैव फोर फ्लिप फ्लॉप्स वी हैव कैन हैव सिक्सटीन टैन शुड कम अंडर सिक्सटीन इट इज लेस दैन दैट तो हमें चार फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए उसमें ऑल राइट right? चार फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे उससे हम डिज़ाइन कर लेंगे नाव नाव वॉट इज दिस नाउ अब अब वह है कि अब इसको डिज़ाइन किस तरह से किया जा सकता है अब जैसे यहाँ पर अभी बताया था कि ये काउंटर जो आपका मूव करेगा ठीक है ये काउंटर जो आपको मूव करेगा ये यहाँ तक आ जाएगा ठीक है ये नाइन है आपका इससे पहले आपका एट होता वन 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 ठीक है तो उसको करने का एक तरीक़ा ये है कि ये जो सीक्यंस आपके बने हुए हैं लेटस्ट ड्रा इसको हम थोड़ा You have zero 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 okay. This was the initial condition initial initial Uske baad, 0001, 0010, 0011, okay zero 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 one zero zero one zero 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 one one okay zero one zero 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 one zero one one zero one one okay one zero 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 one zero zero one okay ये क्या होगा ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके टेंथ तो कौन सी होगी वन ज़ीरो वन ज़ीरो टेंथ स्टेट आपकी ये होगी अब इसमें है क्या अब इसकी टेंथ स्टेट ये डिकेट काउंटर कहलाएगा ठीक है क्यों क्योंकि हम सिर्फ यहाँ तक ही बनाएंगे अब इसको करने का बनाने का डिज़ाइन करने का एक तरीका तो ये है कि आप जैसे ही ये वन जीरो वन ज़ीरो आए इसको डिकोड कर लीजिए ज़ीरो 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 में मीन्स इनिशियल कंडीशन यू गेट एट दिस पॉइंट फिर ये सीक्वेंस चल देगा ठीक है एक ये है तो हमें ये जो है इसका टेंथ आ रहा है डिकेड नंबर इसको डिकोड करना है ठीक है फ्लॉप्स और नैंड गेट वगैरह की मदद से तो इफ़ यू गेट द आउटपुट ऑफ ज़ीरो 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 दैन योर साइकिल रीसाइकिल ये ये रीसाइकिलिंग ऑर्डर में आ जाएगा ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड हाउ वी आर गोइ टू डू लेस जस्सी दिज अब यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं आप ये टेन जो है ये किसके बराबर है वन ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है हमें लाना क्या है ज़ीरो 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 अगर हम इस वन को ज़ीरो कर दें और इस वन को ज़ीरो कर दें तो आपका ये हो जाएगा ठीक है आपका हो जाएगा उसके बाद में हम क्लियर करा दें रीसेट कर दें सबको फिर सीकवेंस स्टार्ट कर दें तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी ठीक है हमें क्या करना है जब ये नंबर आए मतलब साइमल्टेनियसली इफ़ वी आर गेटिंग वन वन ये आपका क्यू नॉट होता है ये क्यू वन होता है ये क्यू टू होता है ये क्यू थ्री होता है द फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंस शुड बी दिस वन ओके तो क्यू वन और क्यू थ्री जब आपका दोनों साइमल्टेनियसली वन हो जाए उस पर अगर हम नैंड गेट लगा दें ठीक है नैंड गेट लगा दें तो आपका आउटपुट जो होगा वो हमें जीरो मिल जाएगा और जब वो ज़ीरो जाएगा क्लियरिंग पल्स की तरफ ठीक है जैसे हमें ये जीरो मिल जाए तो हम उसको पूरे सारे काउंटर्स को क्लियर करा देंगे और फिर आपका सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा ऑल राइट सो लेट्स सी दिस लेट्स सी दिस हाउ इट्स गोइंग टू हैपन नाउ दिस इज़ द डिकेट काउंटर ओके यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंपली द डिज़ाइन इज जो हमने बिट काउंटर अगर हम बनाएं तो डिज़ाइंस कंप्लीटली वही है जस्ट देयर आर समिफ्रेंसेज सिंपली आपका फ्लिप फ्लॉप्स वही हैं एफ एफ नॉट एफ एफ वन एफ एफ टू एफ एफ थ्री ठीक डी टाइप है तो डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री आर हेयर और राइट क्लॉक पल्स आप यहाँ दे रहे हैं और सेकेंड जो आपका फ्लिप फ्लॉप होगा सिंस इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एसेंक्रोनर्स डिकेट काउंटर तो एसेंक्रोनर डिकोड काउंटर जो होता है तो एसेंकोनर्स के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू गिव द साइमल्टेनियस क्लॉक पल्स बट द क्लॉक पल्स टू द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप शुड बी गिवन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स ठीक है तो क्यू नॉट जो आउटपुट है उससे यहाँ पर पल दी जा रही है क्यू वन जो आउटपुट है उसे यहाँ पल दी जा रही है क्यू टू जो आउटपुट है उससे यहाँ पर पल दी जा रही है ठीक है वॉट वी हैव टोल्ड यू वॉट वी हैव टोल्ड यू वी हैव टोल्ड यू दैट वी नीड टू डू वन जीरो वन जीरो एंड चेंज इट टू जीरो 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 मीन्स वी नीड टू चेंज वन एंड वन ओके अब क्या है जब ये दोनों वन होंगे मीन्स क्यू वन एंड Q3 ठीक Q1 आपका आउटपुट ये है Q3 आपका आउटपुट ये है ठीक है Q1 वन यहाँ से आ रहा है और Q3 थ्री यहाँ से आ रहा है अगर हम इसको सिंपली ये कर दें कि Q1 आपका जब यहाँ एंटर हुआ और Q1 Q3 आपका यहाँ एंटर हुआ ये दोनों जब वन वन है ठीक है वन एंड वन वन ऑल राइट उसका नॉट जो होगा सो वैन दिस इज गोइंग टू गो इन दिस तो ये फ़ौरन आपका क्लियरिंग पर्स एकदम एनर्जाइज हो जाएगा ठीक है यहाँ जाके ये इनकाउंटर्स को क्लियर कर देगा ठीक है जब ये क्लियर कर देगा तो ये पूरा सेटअप जो है आपका दोबारा रीसेट हो जाएगा और ये दोबारा से ज़ीरो जीरो 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 पर आ जाएगा आपका ठीक है सो दिस इज़ अब यहाँ अगर आप देखें क्लॉक पल्स अगर आप आ, थ्री क्लॉक पल्स का देखें सिंपली थ्री क्लॉक पल्सिस का अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ एट क्लॉक पल्स तक जो आपका सब कुछ सेम ही है ठीक है यहां पर ये क्यू नॉट चेंज हो रहा है फिर क्यू वन इसका सेकेंड पल्स पे चेंज हो रहा है क्यू क्यू टू फोर्थ पल्स पे चेंज हो रहा है ये देखेंगे यहां पर चेंज हो रहा है ठीक है ये इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है मीन्स ये पॉजिटिव गोइंग पल्स पे नहीं हो रहा नेगेटिव गोइंग पल्स पे हो रहा है ऑल राइट वी हैव बोथ ऑफ बोथ टाइप ऑफ ट्रिगरिंग पल्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी तो ये नेगेटिव पे आपका हो रहा है अब इसमें नाइन और टेन पल्स भी, भी हैं ठीक है और क्यू थ्री भी इन्वॉल्व है तो क्यू थ्री आपका सिंपली जैसे यहाँ दे रखा है ये Q3 आपका एट्थ पल्स के बाद में यहां पर एनर्जाइज हो रहा है ठीक है तो Q3 आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया Q3 थ्री यहाँ से स्टार्ट हो गया तो जब Q3 आपका चल ही रहा था टेंथ पल्स जैसे ही आई ठीक है हमने फौरन इसको चेंज कर दिया जब हमने फौरन इसको चेंज कर दिया तो ये फिर दोबारा जीरो 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 पर आ गया और दोबारा ये रोटेट करने लगा ठीक है सो इन दिस वे वी कैन डिजाइन द एसेंक्रोनस डिकेट काउंटर इन विच वी कैन गैट ओनली द सीक्वेंस फ्रॉम जीरो 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 टू वन जीरो वन जीरो मीन्स अप टू द डिकेट टेन ओनली सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द एसेंक्रोनस डिकेट काउंटर ओके नो वन थिंग यू विल सी इन दिस दैट दियर इज शोन ओवर इज अ ग्लिच ओके वॉट इज ग्लिच ओवर हेयर अब अगर आप ये देखें कि हमें करना क्या था वन जीरो वन जीरो को जीरो ज़ीरो जीरो, जीरो जीरो करना था जैसे अभी ये बताया ठीक है इससे जस्ट पहले वाली स्टेज क्या थी वन ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक है यहाँ पर जैसे ये वन होगा फ़ौर ये ज़ीरो हो जाएगा वहीं तो हमने नॉट गेट लगाया है नैंड गेट लगाया है ठीक है लेकिन ये फ़ौरन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होगा ठीक है इसलिए यहाँ पर कि ग्लिच शो कर रखा है ठीक है असल होना ये था लेकिन हो ये गया ये कह सकते हैं आप तो इसलिए यहां पर ये शो कर रखा है दैट देयर इज अ सर्टेन ग्लिच फॉर फ्यू नैनो सेकेंड्स विच इज शोइंग बी वन जीरो फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फॉर अ फ्यू नैनो सेकंड यू कैन से ओके देन इट इज रीसेट टू जीरो 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 दस प्रोड्यूसिंग द ग्लिच ऑन क्यू वन ये क्यू वन पर आपने ग्लिच पैदा हुई ठीक है ये ग्लिच पैदा हुई ये यहां से होना क्या था ये यहां से आने के बाद में इसको वन होना था ठीक है ये जीरो आ रहा था जीरो वन होना था जब इसको वन होना था लेकिन हो जीरो हो गया तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ विल बिकम वन एंड अन बिकम जीरो ग्लिच हो रही है इसके अलावा और भी अपार्ट फ्रॉम द डीट काउंटर यू कैन मेक अ ट्रंकेटेड सीक्वेंस which is less than the maximum uh, set uh, maximum states of any counter so uh, according to that you can uh, design the counter okay so this is the asynchronous decade counter let's move to the synchronous uh, decade counter